नमस्कार दोस्तों, टेक प्रिंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो हम लोगों ने बनाई है बहुत समय के बाद बनाई है और आज की वीडियो है अपनी 7556 या 2535 या फिर 78 सीरीज की मशीन पे मॉब असेंबली को कैसे क्लीन करें। अब मॉब असेंबली गंदी होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, रजिस्ट्रेशन आउट होता है और आपका प्रिंट जो है वो उसकी डेप्थ क्लियर नहीं आती है। तो पहले आप वीडियो देखिए और समझिए कि मॉब असेंबली को कैसे क्लीन किया जाता है। ये बेसिक है, मॉब असेंबली चाहे आपकी 250 की हो या फिर आपकी 75 सीरीज़ की मशीन की या 78 सीरीज़ की, किसी भी सीरीज़ की मशीन में अगर मॉब असेंबली गंदी होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप वीडियो देखिए फिर आगे की बात करते हैं। हमें ये सबसे पहले डोर ओपन करना है, फिर उसके बाद हम लोग फ्यूज़र निकालेंगे। ये दो एक ये वाला स्क्रू खोल के और एक ये वाला खोल के हम लोग उतार लेंगे फ्यूज़र को। ये हमने फ्यूज़र उतार लिया। उसके बाद हमें IBT बेल्ट को खोलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉक हटा लूँ। ये हमारा लॉक निकल गया। अब हमें क्या करना है IBT खोलने के लिए, एक स्क्रू ये और एक इसके अपोजिट साइड एक ये दोनों स्क्रू खोलने। तो ये खुल गया, इसको आराम से बाहर निकाल लीजिए। ऐसे ही दूसरा करना है। दूसरे का भी हमने ये बाहर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला लॉक जो है इसको बाहर कर देना है, इस लॉक को। अब हमें फ्रंट डोर खोल लेना है। फ्रंट डोर खोल लिया हमने सामने का। यहाँ पर इसमें 5.5 लगा के ये स्क्रू निकल गया एक, और इसको बाहर निकाल लेना। अब यहाँ पर क्लीनिंग असेंबली इसको खोल लेना है, बाहर निकाल लेना है क्लीनिंग असेंबली को भी। खोलने के बाद से फिर हम इधर आएंगे IBT बेल्ट सेक्शन पे। अब ये देखिए हल्का हल्का सा हिला के ये हमारी IBT बेल्ट बाहर आ गई। अब आप जो देख रहे हैं, अब IBT बेल्ट के जस्ट नीचे की तरफ ड्रम होता है। ड्रम के यहाँ पर ये देख रहे हैं सेंसर वाली जगह जो है, ये मॉब असेंबली है। इसके जो सेंसर होते हैं मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये जैसे कि गंदा हुआ पड़ा है, देखेंगे आप। ये सेंसर है, इसमें देखिए ये सेंसर है। ऐसे ही इसके अंदर आपको दिखेगा सेंसर, ये गंदा हुआ पड़ा है। यहाँ पे सेंसर है, ये गंदा हुआ पड़ा है। यहाँ पे भी सेंसर है, ये भी गंदा, ये थोड़ा सा गंदा है लेकिन गंदा है ये भी।
और लास्ट वाला ज़्यादा गंदा है, बस एक क्लीन है। इससे रजिस्ट्रेशन आउट होगी और प्रिंटिंग क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्लीन कर लेते हैं, तो चलिए क्लीन करते हैं। बाप देख लीजिए क्या है ये मॉब असेंबली है। ये जो होती है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन आउट हो जाता है या तो फिर आपका वो प्रिंट जो है वो हिला हुआ सा अगर आता है तो वो इसी की प्रॉब्लम से आता है। पहले तो इसका ऊपर का हिस्सा साफ कर लूँ, एकदम गंदा था आसपास का एरिया, ये सब पेपर जामिंग की वजह है। अब ये देखिए यहाँ पे सेंसर है, ये गंदा है, यहाँ पर भी सेंसर है, ये गंदा है, लेकिन ये वाला सेंसर जो है वो साफ है, ये गंदा नहीं है, इसीलिए आपका प्रिंट थोड़ा सा सही आ रहा है। आईसो प्रोफाइल बोर्ड, अब हम इसके सेंसर को साफ कर लेते हैं, छोटा सा रोल बनाए। बीच वाला सेंसर क्लियर, मिट्टी आ गई और ये वाला भी सेंसर क्लियर। ये वाला सेंसर भी क्लियर अब दिखने लगा ना, पहले सारा डस्ट दिख रही थी। बस अंदर कपड़ा हल्का सा लगा के और मूव कर दो और ये क्लियर हो गया। और ये वाला सेंसर भी क्लियर, ये चारों कलर को जज करता है IBT बेल्ट के ऊपर। बस इतना ही करना है और मॉब असेंबली क्लीन हो गई। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और इसमें आपको समझ में आया होगा कि मॉब असेंबली जो है उसको क्लीन कैसे किया जाए। मॉब असेंबली क्लीन करना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताऊं कि जैसे प्रिंट के अंदर प्रॉपरली डेप्थ नहीं आना, इसका मेन काम क्या है मॉब असेंबली का, कि ये जज करती है बेल्ट के ऊपर कि आपके कलर की डेंसिटी रेशियो कितना होना चाहिए। ये रिप्लाई देता है जितना आपके डेवलपर से बेल्ट पे जो ट्रांसफ़र होता है उसको जज करके ये रिप्लाई देता है आगे बोर्ड को। तो जब इसे ही पूरी अच्छी जजमेंट नहीं मिलेगी, इस पर डस्ट होगी, तो ये क्लियरली जज नहीं कर पाएगा कलर्स को और शायद हो सकता है आपके कलर्स भी मिसमैच आए और इसमें आपको और भी समस्या खड़ी होती है। तो इसीलिए हमें मॉब असेंबली क्लियर रखनी चाहिए। मॉब असेंबली किसी भी मशीन की लगभग सेम होती है, ऐसे ही होती है। इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, सिर्फ इसके सेंसर साफ़ करने, जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया कि सेंसर किस तरीके से साफ़ होते हैं। बस यही छोटी मोटी प्रिकॉशंस हैं जो आप लेंगे तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है, मतलब आप बहुत आसानी से इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आगे कंटिन्यूस वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कीजिएगा और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में भी आपको जवाब देंगे।